मेरा पुदीना, एलोवेरा, बाजिल, लहसुन, ये मेथी, ये क्रोटन, ये लहसुन, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। ये जो पिंक कप में मैंने दिखाया है आपको, ये है मेरा बीट रूट, जो कि चुकंदर का मैं जूस निकाल के पी रही हूँ। आजकल काफ़ी सारा ले लिया था चुकंदर, तो मैंने इसका सारा इसमें पानी डाल के पहले तो छीला है, छील के पानी डाल के उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद छान के आप पी लें तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, खून बनाता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं बना रही हूँ बीफ करी। ये एक्चुअली मैं एज इंग्लिश में वो कर रही थी कि मैं एक यहाँ अपने इंग्लिश फ्रेंड्स के लिए ये बीफ करी पकाने का एक रेसिपी डाल लूँ। तो इसको पकाने में मुझे 2 घंटे लगे थे। आजकल मतलब कुकर में बनाएं तो गल तो जाता है गोश्त, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। और ये मैंने हल्की आंच में 2 घंटे पर पकाया और इतना मज़े का बना, बड़ा ही स्वादी किस्म का टेस्ट आया। और बड़ा ही इसमें थोड़ा फैट भी था, इसमें चिकनाई भी ठीक ठाक थी। और मैंने हल्की आंच पे जो पकाया तो बच्चों ने तो कहा कि मम्मा दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। बच्चों को मेरे हाथ का गोश्त बड़ा पसंद आता है। पहले गोश्त को फ्राई कर लिया थोड़े ऑयल में, फिर 10-15 मिनट के बाद, बल्कि आधे घंटे के बाद मैंने ऐड किए थे 2 मीडियम प्याज और 1 गार्लिक, 10 से 12 जवे मैंने गार्लिक के डाले। फिर सारा सूखे मसाले डाले, गरम मसाला भी डाला और पकने के लिए रख दिया। तो बड़ा ही मज़े का स्वादी टेस्ट आया। कभी कभी बीफ भी पकाना चाहिए, मतलब कि ये भी हेल्दी होता है रेड मीट। और उसके साथ रेड मीट के साथ जो है ना विटामिन सी, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो इसमें इसके हाजमे में काफ़ी मदद मिलती है। तो मैंने बस चावलों के साथ बच्चों को ये दिया। सुबह नाश्ते में पराठे बना दिए, थोड़ा रात का सालन, एग फ्राई कर दिया। ये पाकिस्तान में चादरें बनती हैं तो मज़े का नाश्ता बाहर जाते हैं तो ख़वातीन ये उठती हैं और इसे निकाब करती हैं। ये बड़ी प्यारी चादर है, कढ़ाई बड़ी अच्छी हुई हुई है। मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी पाकिस्तान लास्ट ईयर, तो मैंने सोचा कि मेरे पास है ना कुछ लॉन्ग शर्ट्स, यानी लंबी लंबी शर्टें नहीं हैं, खुली शर्टें कुर्ता टाइप जो पेंटों के ऊपर पहनी जा सकती हैं वैसी नहीं। मैंने सोचा इसको बनाऊं शर्ट, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सा कपड़ा है, बच भी जाएगा। और इसका अगर मरीना या लिनन होता तो मैं बना लेती, लेकिन ये खड़ा खड़ा कपड़ा है, मोटा है। तो ये रही मेरी डाइनिंग टेबल। तो मैंने ये सोचा कि ये भी डाइनिंग टेबल बड़ी प्यारी बन जाएगी ऊपर प्लास्टिक शीट रख के, तो ये डाइनिंग टेबल के काम आ सकता है। काफ़ी मैंने आज सोच विचार की है इसके बारे में, फिर मैंने कहा नहीं शर्ट नहीं बनाते, बल्कि इसका जो है ना डाइनिंग टेबल का बना लेते हैं, जो कि बड़ा डिफरेंट लगेगा। वैसे मैं ये जो कुर्सियों के जो पर्दे हैं, कुर्सियों के ऊपर जो कपड़ा है, ये असल में मेरे पास ऐसे ऐसे कर्टन होते थे। ये कर्टन था, कर्टन का कपड़ा। एक टीवी में भी ड्रामा आया था तो उसमें ये कर्टन लगा हुआ था। तो ये जो है ना
मैंने उसी जितने भी मेरे पास कर्टन थे इसके, ये मोटा कपड़ा है, इसको मैंने काट के ना अच्छी तरह से ये मज़े की इसकी ये बन गई थी शीट्स कवर, क्योंकि ये जो है ना उखड़ता है, ये वाला जो लेदर है, तो मैंने फिर इसकी अब जो है जो नीचे नहीं गिरता वो, तो इस तरह से मैं लगी रहती हूँ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहती हूँ। खुद को बिजी रखने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो करना ज़रूरी है। ये अक्टूबर के महीने में हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं और नॉर्थ में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान, बर्फ़ानी तूफ़ान आएगा, तो इसलिए हमारा मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है। तो ये न्यूज़ में देखती हूँ बड़े शौक से, और मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन यहाँ से ड्राइव करने में हमें 12 से 16 घंटे लग सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर में जाएंगे, अल्लाह ताला की ये साल तो हर चीज़ कुदरत के मनाज़िर को एंजॉय करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें जो दिया है उस पर उसका एहसान है, इसके हम काबिल तो नहीं थे। तो बता रहे हैं कि बड़ा ही मतलब रिकॉर्ड तोड़ तूफान आएगा, और ये साल तो ऐसा है कि इसमें हर किस्म के रिकॉर्ड टूट गए हैं, हरिकेन्स के रिकॉर्ड टूटे हैं, और कैलिफोर्निया में गर्म इलाकों में आग लगने के रिकॉर्ड टूटे हैं, अब स्नो का रिकॉर्ड टूटेगा। वैसे ये 100 साल पहले भी काफ़ी क्रेज़ी वेदर आया, उससे 100 साल पहले काफ़ी क्रेज़ी वेदर आया, अल्लाह खैर करे।